हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको स्किल रिक्वायर्ड फॉर फुल स्टैक डेवलपर बताने वाले हैं। फुल स्टैक डेवलपर कौन होता है और वो वेबसाइट को डेवलपमेंट करने के लिए उसको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है ये बताएंगे। तो उसमें फ्रंट एंड और बैक एंड दो तरह के डेवलपर होते हैं और जो कि आपके वेबसाइट के डेवलपमेंट में काम आते हैं, लेकिन आप अगर दोनों चीज़ें कर लेते हैं तो आप फुल स्टैक डेवलपर कहलाते हैं। A full stack developer is someone who works with the backend and or server side of the application as well as front end. तो वो server side backend का भी काम करता है और front end का भी काम करता है। तो front end पे जो काम करता है वो client side होती है और जो backend पे काम होता है वो server side होती है। Full stack developer have to have some skills in wide variety of coding niches from database to graphic design and user interface. UX management in order to do their job well. अगर आपको user interface बनाना भी आता है और extended user interface बनाना आता है और database management भी आता है तो आप एक full stack developer हैं। लेकिन front end developer कौन हुआ? Front end developer build the front end portion of the website and web application. That is the part that user actually see and interact with. A front-end developer creates website and application using web languages such as HTML, CSS, JavaScript, allow user to access and interact with the site or app. आप जो कुछ भी वेबसाइट खोलते हैं उसकी डिज़ाइन देखते हैं, उसके फॉर्म देखते हैं, उसका लॉगिन देखते हैं, उसकी ईमेलिंग देखते हैं, उससे कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन देखते हैं, जिस जितनी भी डिज़ाइन आप देखते हैं, फीडबैक देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो डेवलप होती है वो फ्रंट एंड पे डेवलप होती है। जिस जो चीज़ आप वेबसाइट पे देखते हैं वो फ्रंट एंड है और बैक एंड जो डेटाबेस से रिलेटेड होता है अभी हम आगे आपको बताएंगे। बैक एंड डेवलपर इज वन हु मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू डेवलप द प्रोडक्ट फॉर बैक एंड और एनी वेबसाइट। अ बैक एंड डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। Backend developer use various kind of tool languages and framework to accomplish this task. अब backend में जो होता है user आपके जितना data होता है आपसे require, जो form आप भरते हैं वो data backend में जा कर के database में store हो जाता है। तो store कैसे होता है, कैसे manage होता है, कैसे display होता है वो data वापस आपके form में, ये सारा काम जो है backend पे होता है। Client side, client side refer the operation the perform by the client in the client server relationship in the computer network. In simple word, all designing of the page and the user interface developed for inquiry, transaction, query, feedback, form, etc. come under this section. Client side web development involve interactive and displaying data. तो जो front end काम करता है वो क्या होता है, वो client side होता है। तो front end पे जब आप इंटरफेस डेवलप कर दे तो क्लाइंट वहाँ पे आता है, अपनी इंक्वायरी को भरता है और अगर ट्रांजैक्शन करना है तो वो अपने बैंक की डिटेल भरता है और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो क्यूरी करता है और अगर आप फीडबैक मांगते हैं तो वो आपका फीडबैक देता है या आप उससे क्लाइंट से रिलेटेड उसके डिटेल को मांगते हैं तो उसका नाम, एज, उसका पासवर्ड, उसका ईमेल, उसकी बैंक की डिटेल, तो वो सब आप उसमें फॉर्म में भरवाते हैं तो क्लाइंट उसको भरता है। उसको ये नहीं मालूम होता कि वो डेटा वो किस एंड पे जा रहा है। तो सर्वर साइड जो होती है, सर्वर साइड रिफर टू द ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म बाय द सर्वर इन अ क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। टिपिकली अ सर्वर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम सच एज वेब सर्वर दैट रन्स ऑन द रिमोट सर्वर रीचेबल फ्रॉम अ यूजर लोकेशन कंप्यूटर और वर्क स्टेशन। व्हाट इज सर्वर साइड use for? तो सर जो आपका होता है कंप्यूटर के वर्क स्टेशन पे सर्वर साइड पे आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन वेब पेज पे जाकर स्टोर हो जाती है। तो व्हाट इज द सर्वर साइड यूज फॉर? तो सर्वर साइड किस लिए यूज होती है? द सर्वर साइड कोड हैंडल्स टास्क लाइक वैलिडेटिंग, सबमिटिंग डेटा एंड रिक्वेस्ट, यूजिंग डेटाबेस टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा एंड सेंडिंग द करेक्ट डेटा टू द क्लाइंट एज रिक्वायर्ड। तो कोई डिफरेंट टाइप के सर्वर साइड का पर सर्वर पर काम होता है। वो आप बिग बाजार का उदाहरण ले लीजिए, जितना भी
डेटा एंट्री होती है वो क्लाइंट साइड पे होती है, लेकिन वो डेटा जो होता है वो सर्वर पे चला जाता है, जहाँ डेटा वैलिडेट होता है, उसकी चेकिंग होती है, उसकी सबमिटिंग होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, और इसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट निकलता है कि दिन भर में कितना सेल हुआ, दिन भर में कितना डेटा आपके पास आया, उसको कैसे मैनेज करें, कौन कौन क्लाइंट था, किसने किसने लिया, किस डेट पे कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, ये सारी रिक्वायरमेंट सर्वर साइड पे मेंटेन की जाती है। सर्वर साइड वर्सेस क्लाइंट साइड, अब इन दोनों को कंपेयर अगर हम करें तो सर्वर साइड इज अ सिस्टम दैट रन ऑन सर्वर एंड द क्लाइंट साइड इज अ सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन यूजर वेब ब्राउजर। जैसा कि अभी हमने बताया आपको, क्लाइंट साइड वेब डेवलपमेंट इन्वॉल्व इंटरएक्टिविटी एंड डिस्प्ले डेटा, सर्वर साइड इज अबाउट वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मैनेज डेटा। तो दोनों में कंपेरिजन अगर आप करिएगा तो एक आपको डेटा प्रोवाइड करता है और एक आपका डेटा मैनेज करके उसके अकॉर्डिंग डेटा को डिस्प्ले करता है। और फॉर एग्जाम्पल, डेवलपर कैन यूज जावास्क्रिप्ट, अ क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टू क्रिएट अ फॉर्म दैट कलेक्ट यूजर इनपुट। सर्वर साइड डेवलपमेंट can process this input. For example, developer can use PHP to connect to database to website and send user input data to the database. तो JavaScript जो है simple आपके form के development में, CSS, HTML ये सब use होता है, और PHP आपका database development के लिए, MySQL ये सारी चीज़ें use होती हैं। तो आपस में ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हाउ द क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट। द क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट एंड द सर्वर रिटर्न्स अ रिस्पॉन्स। क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि हमको ये चाहिए, तो सर्वर उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स करता है। दिस एक्सचेंज ऑफ मैसेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। टू कम्युनिकेट द कंप्यूटर मस्ट हैव अ कॉमन लैंग्वेज एंड दे मस्ट फॉलो रूल्स सो दैट बोथ द क्लाइंट एंड द सर्वर नो व्हाट टू डू। ऐसा आपको हमने पहले प्रोटोकॉल पढ़ाया था। तो प्रोटोकॉल जो होता है वो एक सिंपल रूल है जो कि आपको क्लाइंट और सर्वर को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगर एक आदमी बंगला जानता है, दूसरा इंग्लिश जानता है, तो अगर कॉमन रूल्स को फॉलो करते हैं दोनों, अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो वो प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे। इसी तरह से कंप्यूटर पे भी प्रोटोकॉल एक कॉमन रूल है, सेट ऑफ रूल है, जिसको सबको फॉलो करना पड़ता है, और जिससे कि आदमी वेब पेज पे काम कर सकता है, क्लाइंट हो चाहे सर्वर हो। तो सर्वर वही बातें समझेगा जो रूल सेट है स्टैंडर्ड। तो जैसे आप देखिए, अब कंप्यूटर से क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर पे जाता है, सर्वर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। अब ये क्लाइंट में आपका मोबाइल हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, कहाँ से कनेक्टेड होता है, www वेब सर्वर पे कनेक्टेड होता है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है कि आप क्लाइंट हैं, हम लोग रोज यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब का एक बड़ा सर्वर है जहाँ पर हम लोग डेटा भेजते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग हमको रिस्पॉन्स करता है। फुल स्टैक डेवलपर के लिए फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर, दो टाइप के डेवलपर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें फ्रंट एंड डेवलपर को क्लाइंट साइड बोलेंगे और बैक एंड डेवलपर को सर्वर साइड बोलेंगे। फ्रंट एंड डेवलपर को HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, Java Query ये सब आनी चाहिए, और सर्वर साइड वालों को Python, Django, SQL, MySQL और MongoDB आनी चाहिए। तो ये सब अगर आती है तो आप प्रॉपर वे से वेबसाइट को, और उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए, प्रोग्रामिंग तो आनी ही चाहिए, उसका एप्लीकेशन आएगा तभी आप वेब डेवलप कर पाइएगा। कुछ साइट ऐसी हैं जिसमें आप उनके उनकी फैसिलिटी को यूज़ करके विद इन अ सेकेंड विदाउट नोइंग एनी स्क्रिप्ट यू कैन डेवलप द वेबसाइट। सो यू गो ऑन दो साइट एंड डेवलप इफ यू आर नॉट अ प्रोग्रामर। आप प्रोग्रामर नहीं है तो उन साइट्स पे जाकर अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर प्रॉपर वर्किंग आनी चाहिए कि उस सॉफ्टवेयर पे आप कैसे काम करें। तो मेरी राय है कि आप उस साइट पे भी जा सकते हैं अगर आप प्रोग्रामर नहीं हैं और वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT Informer। Go to community, answer on poll and comment on my video.
Follow my all social media link given in the description. Join my Telegram channel, Tech Ratan. Thank you. This is all today, viewers.